हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका 1 NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यदि आप अभी HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहें तो कितने रुपये से आप जो SIP करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और कितने दिन का आप इसमें टारगेट ले सकते हैं। आप इसको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर कुछ और तरीके से आप एक नज़रिए से देखेंगे, या फिर देखेंगे कि यदि हम लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट यदि कर देते हैं इसके अंदर तो 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर क्या रिटर्न देखने को मिलेगा और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, ये सारा कुछ जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसका हम लोग पिछला रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो पिछले 1 साल के अंदर जो इसने रिटर्न दिया है वो दिया है 40.87% का रिटर्न है पिछले 1 साल के अंदर। 3 साल की बात कर लेते हैं तो पिछले 3 साल का जो रिटर्न है वो 29.25% का रिटर्न है पिछले तीन साल के अंदर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके 5 साल का रिटर्न का, तो पिछले 5 साल का जो रिटर्न है वो 21.56% का रिटर्न है और एनुअल रिटर्न की यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 14.24% का। तो एनुअल रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। यदि आप इसमें किसी भी टाइम आप 1 साल, 3 साल या 5 साल का यदि आप ग्राफ देखते हैं तो हर साल अलग अलग रहता है, लेकिन एक एनुअल रिटर्न यदि आप देखते हैं यानी कि सालाना रिटर्न आपको क्या मिल रहा है, तो सालाना रिटर्न जो है ईयरली रिटर्न वो है 14.24% का। वहीं पे बैंक जो आपको देती है 6 से 7% का इंटरेस्ट देती है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये आपको एनुअल रिटर्न जो दे रहा है 14.24% का दे रहा है। अब हम लोग NAV देखते हैं यानी कि आज के डेट में इसका 1 NAV का प्राइस है 290 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप 100 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 13,427 करोड़ का। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर में। तो मान लीजिए आप यदि पिछला 1 साल, 3 साल, 5 साल का यदि हम लोग रिटर्न देखेंगे, यदि आपने 5,000 रुपया पर मंथ जमा किया होता इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 74,332 रुपया। वहीं पे आप 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में यदि 5,000 रुपया पर मंथ आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर जमा करते या फिर करने की सोच रहे हैं तो आपका जो पैसा जमा होगा 3 साल में वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,65,501 रुपया। अब हम लोग बात कर लेते हैं 5 साल का, तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 5,83,559 रुपया। ये तो हम लोगों ने देखा मंथली यदि आप SIP करते हैं तब। अब बात करें यदि आप वन टाइम पेमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने वन टाइम पेमेंट एक बार में इस म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, अब 1 साल के बाद ये आपका पैसा जो होगा वो हो जाएगा 1,40,870 रुपया। अब यही पैसा यदि आप 3 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 3 साल में आपका ये पैसा हो जाएगा 2,15,919 रुपया, यानी कि 3 साल में आपका पैसा जो है डबल हो रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। वहीं पे इस पैसे को यदि आप 5 साल छोड़ देते हैं तो 5 साल में जो आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा वो मिलेगा 2,65,432 रुपया। यहाँ पे 3 से 5 साल की जो ग्राफ है ये थोड़ा सा कम है, आप चाहें तो 3 साल में यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं अच्छा खासा पैसा अपना डबल करके। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो 170 स्टॉक लिस्टेड है। किसी भी म्यूचुअल फंड को उसका फंडामेंटल स्टॉक ही आगे की तरफ लेके जाता है। तो इसका देखते हैं इसका जो फंडामेंटल स्टॉक है तो वो कौन कौन सा है। ऐसे तो इसमें 170 म्यूचुअल फंड सॉरी स्टॉक लिस्टेड है, लेकिन यहाँ पर हम लोग टॉप 10 की बात करेंगे। तो टॉप 10 में पहला नाम आता है HDFC बैंक लिमिटेड, दूसरा ICICI बैंक लिमिटेड, तीसरा इन्फोसिस लिमिटेड, चौथा एक्सिस बैंक लिमिटेड, पांचवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, छठा लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, सातवां रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, आठवां है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नौवां है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड और दसवां मैप्सिस लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे यदि हम लोग टोटल टॉप 10 में बात करें तो टोटल टॉप 10 में आपको बैंक वाली जो कैटेगरी है वो 1, 2, 3, 4 आपको यहाँ पे बैंक वाली कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी टॉप 10 के अंदर। अब हम लोग इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो
तो एक साल का जो फंड रिटर्न है वो 40.8 का दिया है, 3 साल में 29.2 का, 5 साल में 21.5 का, और एनुअल बात करते हैं तो 14.2 का है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज, इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है एक साल का 32.1 रहता है, 3 साल का 21.7 रहता है, और 5 साल का 18.3 रहता है। अब रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है इस कितने कैटेगरी पे, ये रिटर्न के कितने रैंक पे कैटेगरी पे रैंक करता है। तो 1 साल में ये दूसरे नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में पहले नंबर पे रैंक करता है, और 5 साल में ये तीसरे नंबर पे रैंक करता है। अब हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.9% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप 1 साल के अंदर रिडीम कर लेते हैं अपना पैसा तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं इसके फंड मैनेजमेंट का, किसका जो फंड मैनेजर है वो कौन है। वो है गोपाल अग्रवाल, जो कि जुलाई 2020 से प्रजेंट है, और दूसरा है ध्रुव म्यूचुअल, जो कि जून 2023 से प्रजेंट है। यदि हम इस तरीके का अदर प्लान देखते हैं इन सेम फंड के अंदर, तो वह है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट, IDCW। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।